राजस्थान सरकार आज एक नया नाटक कर रही है। 16 बार पेपर लीक करवाकर लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकार में कर आज अपनी पीठ थपथपा रही है। कहती है हमने राजस्थान में बुलडोजर चला दिया, उस अभियुक्त का जो एक पेपर लीक के मामले में अभियुक्त था उसकी बिल्डिंग गिरा दी। झूठ और सफेद झूठ, क्योंकि जिसकी बिल्डिंग गिराई है वो तो व्यक्ति ही कोई दूसरा है। उस अभियुक्त ने तो वो बिल्डिंग किराए पे ली हुई थी, यानी नुकसान किसी और का हुआ। राजस्थान सरकार ये क्यों नहीं बताती कि कलाम इंस्टीट्यूट के साथ कितने नेता कितने मंत्री उनके जुड़े हुए हैं जिनके पास पैसा पहुंचा है। राजस्थान सरकार सीबीआई जांच कराने को क्यों नहीं तैयार हो रही। और आप सबको पता है डीपी जारौली जब पकड़ा गया था तो उसने कहा था कि पकड़ेंगे तो बड़े बड़े नाम बाहर आएंगे, सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, वो आज खुला घूम रहा है। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि राजस्थान सरकार पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच करने को तैयार क्यों नहीं है, क्यों भाग रही है। सच तो तभी निकलेगा जब इस मामले में सीबीआई जांच होगी, वरना राजस्थान सरकार राजस्थान के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है।